क्यों, तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक? कुआरे हो? लगता है ब्रह्मचारी बनने का प्लान है। क्यों, ऐसे ही बात करते हैं ना लोग? ब्रह्मचर्य का शादी से कोई संबंध नहीं होता। हमारी सांसारिक व्यवस्था तो वैसे भी काम वासना से जुड़ी ही हुई है। ब्रह्मचर्य को हमने काम वासना से कब का जोड़ रखा है? और इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य का केंद्र भी हमने काम वासना को बना दिया है। वाह, ब्रह्मचर्य का संबंध होता है ब्रह्म से, यानी जब किसी का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होता है तो वो कहलाता है ब्रह्मचारी। हां, ब्रह्मचर्य का यह मतलब जरूर होता है कि अब एक पुरुष एक स्त्री के पीछे नहीं भागेगा और एक स्त्री अब एक पुरुष के पीछे नहीं भागेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उसे संयम रखना है, अनुशासित रहना है या अपने ऊपर कोई बाधा डालनी है। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अब उनको ये सब व्यर्थ लगने लगता है, बेवकूफी लगने लगती है, बचकानी हरकतें लगने लगती हैं। एक ब्रह्मचारी साफ साफ देख पाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और समय बहुत कम बचा है, इसीलिए वो अपनी ऊर्जा को किसी भी व्यर्थ और निम्न काम में लगाना गवारा नहीं समझता, बल्कि वो सोचता है कि ऊर्जा का प्रयोग करके किसी ऊंची इकाई को हासिल किया जाए। वो अपने अहंकार को इतना शून्य कर लेता है कि उसकी पूरी जिंदगी सत्य में स्थापित हो जाती है। उसे अब किसी तरह की कोई ईर्ष्या नहीं होती, उसे कोई बंधन कोई मोह अपनी ओर खींच नहीं सकता, उसे कोई सत्ता नहीं चाहिए होती, उसे धन सफलता अब कोई बड़ी बात नहीं लगती, वैसे ही यौन सुख भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यौन इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचर्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से भी स्वस्थ संबंध रखता है। ये नहीं कि कोई भी स्त्री दिख गई तो काम वासना में लिप्त होकर उसको देखने लगे। उसके लिए स्त्री एक व्यक्ति होगी, एक जीव होगी, काम की पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक विवाहित व्यक्ति थे और हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही रहे, और शायद ही इस दुनिया में उनसे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है ब्रह्मचर्य का। धन्यवाद।